हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरी लीक्स। मेमोरी लीक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम, मतलब आपका मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आपका मेमोरी इंक्रीज कर जाएगा ऑटोमेटिकली तो क्या होगा कि आपके सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा। सिस्टम पर इफेक्ट क्या? आपका सिस्टम स्लो वर्क करेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, आप उस मेमोरी को ऑटोमेटिकली डिलीट भी नहीं कर सकते। तो आपके सिस्टम पे कब इफेक्ट पड़ेगा ये समझिए। जैसे हम लोग को पता है कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं और डिलीट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अगर आप डायनेमिकली मेमोरी न्यू ऑपरेटर हेल्प कर ये यूज करके आपने मेमोरी बनाया और उस मेमोरी को डिलीट नहीं, तो जो मेमोरी न्यू ऑपरेटर के द्वारा बनता है वो मेमोरी परमानेंटली क्रिएटेड हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए क्रिएट रहता है। जब तक आप उसको डिलीट ऑपरेटर यूज करके उस मेमोरी को डिलीट नहीं करोगे तब तक आपका मेमोरी डिलीट नहीं होगा। तो सेम वही प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है वो रीजन लिखा हुआ है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हटा सकते हैं ये भी लिखा हुआ है। ये थ्योरी था इसलिए हमने पहले इसको लिख लिया कि टाइम बचे तो हम लोग उसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। देखो सिंपल लिखा हुआ है, दीज मेमोरी ब्लॉक्स व्हेन इंक्रीज इन नंबर, मतलब इसके जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं बहुत सारे नंबर्स में, ब्रिंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम। फिर उसके बाद ये डालने लगता है किसके ऊपर? इफेक्ट सिस्टम के ऊपर। दिस सिचुएशन इज नोन एज मेमोरी लीक। जो सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी लीक। The possible reasons for this are, मतलब ये जो possible reasons हैं इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। देखो रीजन कब कब आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है, सिंपल हम लोग अगर मेमोरी लीक्स पूछा जाता है तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑटोमेटिकली हम लोग का मेमोरी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है बहुत सारे नंबर में, और वो जो है वो सिस्टम पे इफेक्ट डालने लगता है, और जो सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है उसी सिचुएशन को हम लोग मेमोरी लीक्स कहते हैं। तो मेमोरी लीक्स आपका कब कब हो सकता है इसको हम लोग देखेंगे। पहला, ए डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट नॉट डिलीटेड यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली दिखा दिया कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं की तो आपके सिस्टम पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। पहला रीजन क्या बताया है कि आप एक डायनेमिकली ऑब्जेक्ट को एलोकेट करोगे और डिलीट ऑपरेटर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिलीट स्टेटमेंट इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ सम लॉजिकल एरर, मतलब आपने डिलीट यूज किया, आपको लगा कि हमने मेमोरी डिलीट कर दी लेकिन आपका डिलीट ऑपरेटर एग्जीक्यूट नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ एरर्स आ गया उसमें लॉजिकल, तो डिलीट ऑपरेटर आपका काम नहीं किया, उस केस में भी आपके मेमोरी आपके सिस्टम पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। वही लिखा हुआ है डिलीट स्टेटमेंट इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूट, मतलब अगर आपका डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ सम लॉजिकल एरर्स, अगर कुछ लॉजिकल एरर्स मिल जाता है तो आपका डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है तो आपके सिस्टम पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, असाइनिंग द रिजल्ट ऑफ अ न्यू स्टेटमेंट टू एन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पॉइंटर, मतलब कि एक पॉइंटर पहले से मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है, और आप उसमें एक और पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिए, असाइन कर दिए, तो वो क्या होगा? आपके आपके सिस्टम पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। वही बोला है असाइनिंग द रिजल्ट ऑफ न्यू स्टेटमेंट, मतलब न्यू स्टेटमेंट के रिजल्ट को असाइन करेंगे टू एन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पॉइंटर, किसमें? ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पॉइंटर में, तो भी आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। तीन रीजन आपको बताए, पहला रीजन क्या बताए कि आप ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर दिए हो, बना दिए हो, डिफाइन कर दिए हो और उसको डिलीट से आपने डिलीट नहीं किया तो आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, आपने डिलीट ऑपरेटर अगर यूज किया भी और आपका वो कुछ लॉजिकल एरर के चलते आपका वो एग्जीक्यूट नहीं किया, काम नहीं किया, तो भी आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपने रिजल्ट को जो पहले से पॉइंटर ऑक्यूपाई करके रखा है और आपका जो रिजल्ट आया उसी में आपने असाइन कर दिया तो भी आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो रीजन लिखा हुआ है,
लोग इसको हटाएंगे कैसे, अवॉइडेड मतलब होता है हटाना, वही लिखा हुआ है द मेमोरी लीक्स कैन बी अवॉइडेड बाय, मेमोरी लीक्स हटाया जा सकता है किसके द्वारा, ये सब सिचुएशंस के द्वारा। देखो मेकिंग श्योर दैट आर डायनेमिकली एलोकेटेड इज नीडेड, मतलब आपको श्योर होना पड़ेगा कि हमने जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया है वो मेमोरी डिलीट हो चुका है, इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, श्योर होना पड़ेगा। नेक्स्ट, ए न्यू स्टेटमेंट स्टोर्स इट्स रिटर्न वैल्यू इन अ फ्रेश पॉइंटर, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप फ्रेश पॉइंटर में स्टोर करोगे तो वो बेटर होगा, पहले से जो बना हुआ है उसी में आप स्टोर कर दोगे तो आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, और नया पॉइंटर बना के आप स्टोर करोगे तो आपके सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको मेमोरी लीक्स में क्या बताया है, मेमोरी लीक्स में ये बताया है कि हम लोग का मेमोरी जो होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, उस सिचुएशन को हम लोग मेमोरी लीक्स करते हैं। मेमोरी लीक्स कब कब हो सकता है, तो कब कब हो सकता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली डिफाइन करोगे और डिलीट ऑपरेटर से डिलीट नहीं करोगे तो आपका मेमोरी लीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको डिलीट कर रहे हो और मान लो आपने यूज कर दिया डिलीट ऑपरेटर और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उस केस में भी आपका मेमोरी लीक होगा, और पहले से पॉइंटर जो ऑक्यूपाइड करके रखा है मेमोरी आपने रिजल्ट को उसी में असाइन कर दिया तो भी आपका मेमोरी लीक होगा। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, दो दो पॉइंट को याद रखना होगा आपको, पहला श्योर होना पड़ेगा कि हम लोग का जो डिलीट ऑपरेटर से कि हम लोग मेमोरी को डिलीट किए हैं, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आपको फ्रेश पॉइंटर में स्टोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये नया टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन नल एंड नल पीटीआर। नल पीटीआर आपका पॉइंटर है और नल भी आपका पॉइंटर है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो नल इज अ प्रोग्रामर, नल एक प्रोग्रामर होता है, कंपाइलर डिफाइंड होता है, जो विच इज डिफाइंड इनसाइड द एसटीडी डेव डॉट एच, ये जो नल है ये एसटीडी डेव डॉट एच के अंदर डिफाइंड होता है, और नल पीटीआर जो होता है वो डिफाइंड किया हुआ होता है किसके अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर। नेक्स्ट, नल इज जीरो पॉइंटर, ये जीरो पॉइंटर होता है, इसका कुछ भी साइज नहीं होता है। नल पीटीआर इज लीगल इंपटी नल पॉइंटर, मतलब ये लीगल होता है और ये नल पॉइंटर भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, तो इस पे आप ध्यान दो, यहाँ पे देखिएगा, हेलो, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में हम लोग देखे हैं कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या होता है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है, मीन सेल्फ रेफरेंशियल का मतलब ये होता है आपका कि एक आपने एक स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर बनाने में आपने क्या किया कि उसी में आपने एक पॉइंटर यूज कर दिया। इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यूज होता है आपका ये लिंक लिस्ट में, ज्यादा यूज किया जाता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में आप इसको यूज किए होंगे, देखिए वही लिखा हुआ है, ए स्ट्रक्चर हैविंग अ मेंबर एलिमेंट्स दैट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, मतलब ये जो है ये क्या करता है, स्ट्रक्चर जो है वो मेंबर एलिमेंट्स को रखता है अपने पास में और वो रेफर करता है खुद को, अपने आप को, ठीक है, देखो अपने आप को रेफर करना है, ये इसका मेंबर एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये डेटा हम लोग रख दिए, फिर ये जो नेक्स्ट है ये फिर से अपने ही मेंबर एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर रेफर करेगा, फिर आप नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करवाओगे, फिर अगला बॉक्सेस बनेगा, तो इस तरह से ये काम करवाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो सेल्फ रेफरेंशियल अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके साथ आपको क्या यूज करना होगा, पॉइंटर का यूज करना होगा, किसका यूज करना होगा, पॉइंटर। हम लोग तीन डेटा मेंबर लिए, int emp number, char emp name, int salary, imply next, है ना, asterisk next, ये हम लोग लिए। तो इसमें क्या है कि आपने ये डेटा मेंबर को ले चुके, अब ये जो asterisk है ना, asterisk next, ये जब जब रन करेगा तब तब ऑटोमेटिकली ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, तो जो अपने से स्ट्रक्चर जनरेट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। आया स्टूडेंट समझ में, तो ये सब हम लोग का टॉपिक था, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, आप इसको देख लोगे एक बार, और ये सब थ्योरी था तो आप इसको याद करना। थैंक यू।